शब्दों में आशीर्वचन के रूप में बच्चों को कुछ आशीर्वाद देंगे। आज इसे आड़ी युवा शिक्षण संस्थान धौरहरा के प्रांगण में हमारे बहुत पुराने साथी और समाजवादी पार्टी बासापुर के विधानसभा अध्यक्ष भाई आदरणीय राजगुरु सरोजी, साथ में बैठे हुए भाई डॉक्टर राम प्रसाद यादव जी, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन के भावी प्रत्याशी भाई साथी भाई तथा हमारे पत्रकार बंधुओं और साथ में हमारे बैठे भाई राजेंद्र हमारे उपाध्यक्ष हैं जो कि चले गए, भाई रामचंद्र पूर्व डी सी, भाई हमारे जी तथा हमारे साथ में सभी हमारे श्यामलाल जी हमारे भाई हैं, भाई हमारे उमा शंकर पाल भगत जी, भाई राम मोहन जी, कन्हई जी, दया शंकर जी, भाई हमारे छोटे भाई समयलाल पाल जी, भाई मेवालाल जी, भाई डॉक्टर साहब, भाई हमारे वो बड़े गांव के हमारे भाई भाई साहब, भाई सुनु जी तथा हमारे वकील साहब थोड़ा हमारे प्रधान जी या एक्स वाई जेड जितने हमारे शोभना जी एक्स वाई जो जितने हमारे क्षेत्र के सम्मानित अभिभावक माताएं बहने जितने हम दिखाई दे रहे हैं सब हमारे परिचित हैं, टाइम काफ़ी हो गया है लेकिन सभी हमारे भाई बम्बूलाल जी से लेकर के सभी हमारे माताएं बहने सभी हमारे प्यारे बच्चे बच्चियाँ और इस विद्यालय के प्रिंसिपल उप प्रिंसिपल सभी हमारे विद्यालय के अध्यापक अध्यापिका और सभी हमारे क्षेत्र के जनमान और सम्मान अभिभावक। दोस्तों आज गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में सुबह से ही मौसम तो गड़बड़ हो गया था लेकिन काफ़ी समय मिला और इस कार्यक्रम में बच्चों ने जिस ढंग से चढ़ बढ़ करके अपना प्रतिभा का इन्होंने प्रदर्शन किया और कई रकम से किया है, जानिए कि यहाँ तक के पर्यावरण वृक्षारोपण के विषय में किया बहुत अच्छा लगा हमको क्योंकि हम वृक्षारोपण या वृक्षा के प्रति हम बहुत सजग रहते हैं। मैं अपनी जिंदगी बहुत पेड़ पौधे लगाए अभी लगाते हैं और उसको बहुत उसको सेवा भी करता हूँ। इसी तरह बच्चे देखिए अभी हमारे बहुत से बच्चे इंग्लिश में स्पीच दिया हिंदी में बच्चे दिए और कई ढंग से इन्होंने जो कार्यक्रम किया है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था बहुत अच्छा कार्यक्रम था। इसके लिए मैं सभी हम बच्चों को और तभी सभी हमें अपने अध्यापकों को जो उन्होंने तैयार किया है मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दोस्तों बधाई के बात और है जो आज हमको इतना आनंद आया अगले साल भी हुआ सबसे ज़्यादा हमको अच्छा ये लगा कि जो हमने विद्यालय का रचना किया और विद्यालय का स्थापना किया या विद्यालय चल भी रहा है जो हमारे क्षेत्र के बच्चे जो आए हैं अब किस ढंग से अभी ज़्यादा नंबर पा करके बच्चे को पुरस्कृत किया गया है बहुत अच्छा हुआ कि हमारे जितने बच्चे परिश्रम करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या फर्स्ट और श्रेणी में आएंगे तो उनका भी सम्मान इसी ढंग से बढ़ेगा और वो बच्चे अपने जिंदगी में कुछ न कुछ चाहे वो इंजीनियर हो डॉक्टर हो वैज्ञानिक हो या अधिकारी कर्मचारी हो या जो भी हो अगर उनकी शिक्षा अच्छी होगी तो जहाँ भी जाएंगे उनकी प्रतिभा का सम्मान हर जगह होगा। इसलिए मैं बहुत 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 का इजहार कर रहा हूँ दोस्तों कि हमेशा और इसी प्रतिभा को देख करके बच्चे और पढ़ें और तैयारी करें। अभी कल की कल है कि परसों बात है अभी हमारा हमारे विद्यालय के बच्चे जौनपुर में जो सब फर्स्ट शायद पाँच बच्चे आए थे क्या जौनपुर जिले में उसमें हमारा विद्यालय भी के बच्चे हैं एक बच्चिया आई थी उसको रिश्वत दिया और जो भी दिया हो लेकिन पूरे जिले में पाँच बच्चे आए थे पाँच में हमारा ये जाना कि इसके लिए हमको बहुत बहुत
इस विद्यालय के भाई जितने हमारे अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं या प्रिंसिपल हैं, हम इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने आप सबको आशीर्वचन किया। दोस्तों, अभी 26 जनवरी 74 वर्ष जवन दिवस है। ये ऐसा पर्व है दोस्तों, इसको बताने की बातें नहीं। इस दिन सब अभिभावक से लेकर के बच्चे से लेकर इतना उत्साहित होते हैं, जबकि और तमाम भारतीय धर्म के जितने त्यौहार होते हैं उससे ज़्यादा, चाहे 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, इसमें कितने उत्साहित होते हैं बच्चे कि कितने बच्चे तो खा रहे हैं, कितने बच्चे बिना खाए चले आए हैं। लेकिन जरा सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो सरकारी संस्था हो चाहे वो प्राइवेट संस्था हो, सब पूरा हिंदुस्तान आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। जरा सोचिए, आज 74 वर्ष बाद यह एहसास होता है कि अगर हमारे जो पुराने महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू या जो भी हमारे उस क्रांतिकारी लोग थे, अगर आज इतना संघर्ष और अपना जीवन बलिदान न किए होते तो आज ये दिन देखे नहीं होता। देखिए तो ऐसी प्रतिभा उस जमाने में अंग्रेजों का जिस ढंग से वो तपता था, जिस ढंग से उनका अत्याचार था, उसमें संघर्ष करके लड़ाई लड़के जिस ढंग से इसे पूरे हिंदुस्तान का आज़ाद किया। दोस्तों, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी सपूतों को, जितने इस आज़ादी दिलाने में भाग लिए थे, सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से नमन और वंदन करता हूँ। और मैं सभी बच्चों को ये जरूर कोशिश करूंगा कि ये जो त्यौहार हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी हैं, इसको याद रख करके जहां भी रहो, जिस जगह रहो, चाहे किसी क्षेत्र में रहो, चाहे नौकरी में रहो, चाहे धंधे में रहो, चाहे जहां रहो, लेकिन हिंदुस्तान की रक्षा करना आप हमारा सर्वधर्म है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए, बहुत काफ़ी समय हो गया, मैं सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को, सभी हम अपने विद्यालय के कर्मचारी और सभी हमारे भाई, हमारे पत्रकार लोग आए हैं, सबको बधाई देते हुए स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।